अभी कुछ दिन पहले मैंने ये गुलाब रिपोर्ट किया था और ये कितनी अच्छी ग्रोथ इसने पकड़ ली है, ये बेहतरीन किस्म का चल रहा है। और उससे पहले कुछ दिन पहले मैंने इस वाले गुलाब को रिपोर्ट किया था, ये भी बहुत अच्छी ग्रोथ पे है। और ये एक दो दिन पहले ही मैंने ये मधुकामनी का प्लांट रिपोर्ट किया है। ये दोनों प्लांट गुलाब के बटन रोज हैं। ये वाला में दो कलर आते हैं, इसमें ये जो ब्रांच है इसके अंदर गुलाबी कलर आएगा और इस वाले में रेड आएगा। ये बटन रोज है और ये प्योर गुलाबी है बटन रोज। तो ये देसी गुलाब होते हैं, इनमें खुशबू भी आती है। और जो आज मैं गुलाब रिपोर्ट करने जा रहा हूँ वो भी देसी है, वो वाइट कलर में है। आज मैं इस गुलाब को अपने रिपोर्ट करूंगा। और ये गुलाब मैं अभी परसों नरसों दो तीन दिन पहले ही मैं लेके आया हूं कहीं बाहर से। ये वाइट कलर का है, देसी गुलाब यहां नर्सरियों में नहीं मिलते हैं वाइट में, तो इस वजह से मैं वाइट कलर बाहर से लेके आया हूं और इसकी आज रिपोर्टिंग करूंगा। और इसके लिए मीडिया तैयार करनी है, क्या क्या सामान चाहिए अभी हम आपको आगे वीडियो में सब दिखाएंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हैवी। साथियों, कुछ दिन पहले मैंने ये वाला गुलाब अपने दोनों रिपोर्ट किए थे और इसका मैंने वीडियो बनाया था, आप लोगों को दिखाया था और ये किस तरीके से कितनी बेहतरीन किस्म की इनकी ग्रोथ शुरू हो गई है। तो आज मैं अपने इस वाइट कलर के गुलाब को रिपोर्ट करूँगा और रिपोर्ट करने के बाद मैं इसके जो मीडिया बनाऊँगा रिपोर्ट करने से पहले वो किस तरीके से बनाऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से इसका पूरा प्रक्रिया करेंगे और इसको निकाल के रिपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम अपने गुलाब को मीडिया से बाहर निकाल लेते हैं। और ये बारिश हो गई थी जो काफ़ी मिट्टी गीली है इसकी, तो इसको हम इससे बाहर निकाल लेते हैं। तो अच्छी तरीके से इसको नीचे से रूट इसके टूटे ना, आहिस्ता से इसको बाहर निकाल लें इस तरीके से ढीला करके, और आप इसको ऐसे करके निकाल लें। और ये देखिए ये हमारा बाहर निकल गया है। अब मैं इसको इस तरीके से पानी में डाल देंगे, ये पानी में डाल दिया मैंने। और इसमें ये फंगीसाइड जो है, ये साफ फंगीसाइड ये मैं इसमें डालूँगा। ये देखिए फंगीसाइड डाल दीजिए और इसको अच्छी तरीके से हिला लें। इस फंगीसाइड पानी में ये गुलाब भीगता रहेगा करीब लगभग आधा घंटा। अब हम इसकी मीडिया तैयार करते हैं। तो मीडिया के लिए मैंने ये लिए है बकरी की मैंगनी कंपोज है, और ये जो है सेंट है बदरपुर, और ये राइस खस। ये तीन चीज़ें हम इसमें मिलाएंगे और तीनों की तादाद बहुत अच्छी है इसके अंदर। ये मिट्टी है हमारी, ये सॉइल बहुत अच्छी मैंने सॉइल निकाली है इसके लिए। इस सॉइल में मैं इसको ये पॉट को खाली कर लेते हैं।
और इसके अंदर ये ठीगली रख लेंगे इसके यानी झोल पर इस तरीके से, और थोड़ा सा कूड़ा कबाड़ जो है वो इसके अंदर डाल देते हैं, सूखे पत्ते और जो भी आपके पास टहनी वहनी टूटी हुई हो सब नीचे डाल दीजिए, और थोड़ी सी यही मिट्टी नीचे डाल देंगे। तो ये हमारा बेस तैयार हो गया है, अब हम इस मीडिया को तैयार करते हैं। जब तक ये हमारा गुलाब जो है फर्नी साइड में भीग रहा है रखा हुआ, अब इसमें हम राइस खस डालते हैं। और ये बदरपुर यानी सेंट ये डाल लीजिए, और ये कंपोज, ये तीनों चीज़ें इसमें, कंपोज भी मैंने अच्छी तादाद में डाली है ताकि गुलाब की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाए और भर के फूल आए खूब इसमें। तो ये हमने इसमें तीनों चीज़ें ऐड करके और इसको अच्छी तरीके से मिला लीजिए। हमारी मीडिया बन गई है, अब इसको हम इसमें भरते हैं। इतनी मीडिया इसमें भर लीजिए इसे, और भरने के बाद में अपना आप गुलाब निकालें फंगीसाइड से और इसके अंदर रख दें, और इसका सेंटर अच्छी तरीके से देख लें। ये हो गया है, अब इसमें मीडिया डाल देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों अपनी मीडिया इसमें भर के, और ये फंगीसाइड का जो पानी है और यही इसमें आप डाल दीजिए, ये अच्छी तरीके से पानी नीचे चला जाएगा और गुलाब हमारा लग के दोस्तों तैयार हो गया है। अब ये इतनी अच्छी ग्रोथ करेगा, बहुत ही बेहतरीन मीडिया हमने इसके लिए। गुलाब लग के हमारा तैयार हो गया है, अब हम इसको 8 दिन के लिए शेड में रखेंगे, और जब इसकी नई कोपल निकलने लगेगी ये फुटाव ले लेगा तो मैं इसको निकाल के धूप में रखूंगा, क्योंकि अब मौसम रात का ठंडा होने लगा है, बारिशें बंद हो चुकी हैं, और अगर एक आध बारिश पड़ी तो पड़ जाएगी, कोई बात नहीं ऐसी है, और उस बारिश में भी रख सकता हूं, अगर बारिश पड़ेगी तो बारिश में रख दूंगा, क्योंकि अब गुलाब को ज़्यादा गर्मी तो गुलाब को पसंद नहीं है, इसलिए अब मौसम नॉर्मल हो चुका है। और ऐसे में गुलाब की रिपोर्टिंग अगर आप करते हैं तो बहुत ही फायदेमंद है, और अब सीजन आ गया है, कुछ दिन के बाद गुलाब के अंदर काफ़ी फूल आया करेंगे, और पूरी सर्दी गुलाब आपका फूलों से भरा रहेगा। तो दोस्तों ये जो इसके अंदर सूखी ब्रांचें हैं इनको भी आप मूव कर दें, ये देखिए ये सूख रही है, इसको आप निकाल दें इस तरीके से, जो भी सूखी हुई ब्रांच हो उसको निकाल दें। गुलाब में कभी सूखी हुई ब्रांच को ना छोड़ें, क्योंकि यहाँ से फंगस पकड़ लेती है, सूखी हुई ब्रांचों को से ही शुरू होती है फंगस इसमें अक्सर, और इसकी ब्रांचों के ऊपर भी आप फंगीसाइड का स्प्रे करते रहें तो आपका गुलाब जो है बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।